हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये देखिए, आज हम लोग इस प्लान के बारे में बात करेंगे। और ये देखिए, ये इस प्लान का नाम है गोमफ्रेना। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। अभी देखिए, अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है, समर सीज़न, इस समर में इसका ये ब्लूम होता है। और ये देखिए, ये एक प्लांट में बहुत सारे, मैंने तो ये छोटे छोटे प्लांटर में लगाया है इसे। ये देखिए, ये 3-4 मैंने प्लांट लगाया है छोटे छोटे प्लांटर में। पर वहाँ पे इसमें, यहाँ पे देखिए, ये एक प्लांट में कितना ब्लूमिंग हो रहा है। और भी ब्लूमिंग होगा, छोटा छोटा यहाँ से निकल के आ रहा है। तो इतने छोटे प्लांटर में ही इतना ज़्यादा ब्लूमिंग करता है। तो आप अगर बड़े वाले पॉट में इसे लगाएंगे, थोड़ा बड़े वाले पॉट में, अच्छे साइज़ के पॉट में अगर लगाएंगे, तो इसका साइज़ तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये देखने में भी कितना सुंदर है। देखिए इसका ना कलर, बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये मेरे पास पर्पल कलर का है, ये भी बहुत सुंदर कलर है। ये देखिए ये, और इसका बहुत सारे कलर आता है, रेड, पिंक, और बहुत सारे कलर आता है। तो आप लोग लगा सकते हैं। मुझे तो रेड कलर का बहुत पसंद है और वो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिला है। और इसे देखिए, इसे छोटे छोटे प्लांटर्स में लगाने से भी ये बहुत अच्छा से ब्लूम करते हैं। और एक बात है इसका, इस ये जो है, ये आप सीड से भी ग्रो कर सकते हो और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है? तो पर कटिंग से ग्रो करने का इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक फ्लावर में ना बहुत सारे, इतने सारे सीड्स होते हैं कि आपको कटिंग से ग्रो करने का ज़रूरत ही नहीं है। जब ये एक फ्लावर सूख जाएगा तो तब ना ये बहुत सारे सीड्स इससे निकल जाते हैं। और इसका क्या होता है, इसका ये जो फ्लावर है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये बहुत दिन तक ये ऐसे ही ब्लूम करते रहते हैं, क्योंकि ये जो मेरा फ्लावर है, ये सब एक महीना से ज़्यादा हो गया, बहुत दिन हो गया। ये एज इट इज़ है, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन बाकी तो ये फेड नहीं हुआ है और बहुत दिन तक ये ब्लूम करते रहते हैं। ये एक बढ़िया बात है इसका। और ये जो फ्लावर है, इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़े इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये लगी जैसा हो जाएगा और इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो ये देखिए, और ये जो गोमफ्रेना है, गोमफ्रेना एक बहुत ही सुंदर सा हमारे गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ना बहुत सारे बटरफ्लाइज़ को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे बटरफ्लाइज़ मेरे गार्डन में। तो जब से ये गोमफ्रेना मैंने लगाया है, बहुत अलग अलग टाइप का बटरफ्लाइज़ आते हैं इसमें। तो ज़रूर लगाइए इस प्लांट को, ये बहुत अच्छा प्लांट है गोमफ्रेना। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोगों को भी बहुत पसंद होंगे। ये लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर है और बटरफ्लाई अट्रैक्ट करते हैं और बहुत वाइब्रेंट कलर का है। तो ग्रो कीजिए इस प्लांट को। तो आज मुझे यही दिखाना था आप सभी को, यही टॉपिक था हमारा गोमफ्रेना के बारे में। तो शायद मैंने सब कुछ बता दिया इस प्लांट के बारे में। तो ग्रो कीजिए, फिर मिलेंगे। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।